दिनेश गुंडूराव एंब हेसरिन नानु। एक तरफ कर्नाटक के राजभवन में मंत्री शपथ ले रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन के बाहर उन वरिष्ठ विधायकों के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जैसे विधायक लेआउट कृष्णप्पा के समर्थक। बेंगलुरु से दूर मैसूर में विधायक तनवीर सेठ के समर्थक सड़क पर उतर आए कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। वहीं पूर्व कानून मंत्री टीबी जयचंद्रा के समर्थक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के घर के बाहर हंगामा करने लगे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। I joined Congress under the leadership of Srimati Indira Gandhi. जब इंदिरा जी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गई थी तब से मैं उनके साथ विधायक बना। मैं भी मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठा था, मेरे समर्थक और हम सब नाराज हैं। मैं जल्दी दिल्ली जाकर INC अध्यक्ष राहुल जी और सोनिया जी से मिलूंगा। इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मंत्री परिषद 34 मंत्रियों का अपना कोटा पूरा कर चुका है। इसमें 8 लिंगायतों को जगह दी गई, जबकि अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 3, वक्कलिगा 5, जिनमें उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी शामिल हैं, OBC 6, मुस्लिम 2, जैन 1, मराठा 1, ब्राह्मण 1 और 1 ईसाई शामिल है। एक महिला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हमने जात धर्म और प्रांत तीनों को ध्यान में रखकर कैबिनेट का संतुलन बनाया है। पार्टी आलाकमान के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने फैसला लिया है। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तो बना ली है, लेकिन सवाल सत्ता के 2 केंद्रों को लेकर उठ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जिनके साथ साथ इनके समर्थक मंत्रियों और विधायकों पर नियंत्रण रखने के लिए शायद पार्टी आला कमान को अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से किसी की भी जुबान फिसली तो सवाल सरकार के वजूद पर उठने लगेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।